हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक, एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो अभी जैसा आप सभी जानते हैं 10, 11, 12, 13 कुल मिला के लगभग आपका 3-4 दिन जो अभी पेपर हुआ है, उन 3-4 दिन पेपर के आधार पर हर दिन 4 शिफ्ट। बहुत सारे लोग सेफ स्कोर का प्रेडिक्शन कर रहे थे कि सर कोई बता रहा 80 में से मैं 70 करके आ रहा हूं, 63 करके आ रहा हूं, 65 करके आ रहा हूं, 76 करके आ रहा हूं। तो मतलब अभी तक फिर तो उसके हिसाब से क्या मेरिट 160 नंबर में से, क्योंकि 80 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 में से मेरिट 150 पे लगेगी क्या, क्योंकि सब लोग तो इतने अटेंड करके आ रहे हैं, हम लोग तो फिर क्या ही करेंगे आगे जाके। तो मैंने कहा भाई देखो, अटेम्प्ट करना अलग चीज है, कितने सही अटेम्प्ट है वो अलग चीज है, दोनों में अंतर है। तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि नोएडा पेपर देने आते हैं तो इधर आ जाते हैं मिलने ऑफिस, ज्यादा दूर नहीं है, उस सेंटर से 1 किलोमीटर का अंतर है, तो बच्चे आ जाते हैं तो बताते हैं। जब सामने एक बार फोन पे आपने किसी से पूछा कितने अटेम्प्ट किए, एक बार सामने उसको ग्रिल करके पूछा आपने भाई कितने अटेम्प्ट किए, फिर उसको पूछा सही बता 6 से कितना, बोले 70% एक्यूरेसी है। अब सोचो एक बच्चा जिसने 80 में से 70 अटेम्प्ट किए, कितने सोचो। एक मैं आपको अनुमान दे रहा हूं कि भाई देखो जो बच्चे बता रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे बच्चे ने बताया जैसे मेरी बहुत सारों से बात हुई कि सर मेरे जो अटेम्प्ट थे ना वो 80 में से 70 अटेम्प्ट किए। बोला भाई बहुत अच्छी बात है, घंटे में तुमने 80 में से 70 अटेम्प्ट किए। मैं बोले एक्यूरेसी कितनी थी, तो सर मुझे लग रहा 70% एक्यूरेसी होगी। अब देखो 70 क्वेश्चन तुमने किए, 70% एक्यूरेसी, तो एक्चुअल में तुमने क्वेश्चन जो किए वो 49 किए, सही क्वेश्चन जो किए, बाकी तुम्हारे क्या हो गए, बाकी तुम्हारे 21 क्वेश्चन गलत हो गए। 21 क्वेश्चन गलत का दंड क्या हुआ, 21 क्वेश्चन गलत का दंड क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स मिला दो 21 में, तो लगभग 10.5 नंबर कम हो गए। 49 आपके सही थे, लगभग आपके गुणा 2 करोगे 98 नंबर आए, 98 में से 10.5 आपके माइनस हो गए, नंबर आए आपके 88 रॉ मार्क्स। नॉर्मलाइज करेंगे तो ये और घट जाएंगे। अगर आप मान लेता हूं 70 क्वेश्चन करके आए, आपकी एक्यूरेसी 80% भी बैठती है, तो भी 56 सही और बाकी आपकी 14 क्वेश्चन गलत, 7 तो आपके फिर भी कट गए, 112 में से 7 कट गए, आपके 105 रह गए। कितने रह गए, 105 रह गए। फिर कहां बैठे आप इसमें, इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैंने आपसे कहा आप 55 करके आओ लेकिन सही करके आओ, 55 करके आओ लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, 100% आप एक्यूरेट होने चाहिए, 100% एक्यूरेट, तब आपके आराम से 110 नंबर बने, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेफ अटेम्प्ट की बात करोगे, मैं आपको नंबर की बात नहीं कर रहा कि भाई आप नंबर आपके कितने आए कितने नहीं आए, फाइनल मेरिट क्योंकि अलग अलग राज्य की होती है, उस पर मैं ही जा रहा। मैं भी ये जो शुरुआत की शिफ्ट थी इसमें 60 मिनट में जो, क्योंकि पेपर का समय कितना है 60 मिनट, कब निकल जा रही है पता भी नहीं चल रहा, मैं साथी 55 से 60 प्रश्न ये एकदम सेफ अटेम्प्ट है, एकदम सेफ अटेम्प्ट, इस पर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। गलती कहां जा रही है, गलती कहां जा रही है, जब आप ये वाला काम कर रहे हो कि 70 सही कर रहे हो क्वेश्चन लेकिन एक्यूरेसी 70% बैठ रही है, ऐसे में तो आप 80 के 80 अटेम्प्ट कर दो, एक्यूरेसी 70 बैठे कोई फायदा नहीं, आपके नंबर 80 आ जाएंगे, क्या फायदा। जब आपने गलत ज्यादा किए, तुक्के ज्यादा मारे, एक भी क्वेश्चन में तुक्के मत लगाओ, रीजनिंग बहुत सरल, आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे, मैथ आराम से 12 से 15 क्वेश्चन कर लोगे, हिंदी में कहता हूं कितना भी बुरे हालात हुई तब भी 15 कर लोगे, और जीके में कितने बुरे हालात हुए तब भी 10-10 कर लोगे, 10 क्वेश्चन तो कर लोगे, तो 15 = 45 और 10 = 55। आपने अपनी शिफ्ट में तैयारी के आधार पर जितनी आपने अभी तक तैयारी की, 80 प्रश्नों में से 60 मिनट में 55 सही किए, आप आराम से जीडी में मेरिट में आओगे। तो मेरा अनुमान अभी भी आने वाली जो शिफ्ट है उनके लिए भी मेरा अनुमान कल से वही है,
कि आप लोग वही 15-15-15-10 ऐसे वाले ट्रिक को अपनाना, आप गलत के चक्कर मत पड़ना। यह बहुत ही बेकार दृश्य है, यह बहुत ही सेफ दृश्य है। क्योंकि अगर मान लेता हूं आपकी शिफ्ट हल्की आ गई तो जाहिर सी बात है आप इस 55 को 65 तक भी पहुंचा सकते हो। आपकी शिफ्ट बेकार आ गई, हो सकता है 55 से आप 52-53 पे पहुंच जाओ, मान लेते हो 50 पे पहुंच जाओ, तब भी आप सेफ है। कोई भी शिफ्ट इतनी बुरी नहीं आएगी कि आपने तैयारी की और आप 50 क्वेश्चन ना कर पाए। हार्ड से हार्ड शिफ्ट में भी आप इसके आसपास घूमोगे, इस संख्या के आसपास, 55 प्रश्नों के आसपास। अच्छी शिफ्ट आई, इजी शिफ्ट आई तो आप यहां पहुंच जाओगे, 62-65 तक पहुंच जाओगे। बुरी शिफ्ट आई, आप 52-53 तक पहुंच जाओगे। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा ही अच्छा होगा। आप इतना सेव कराना, आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों का जीडी होता रहे वो आगे क्या करें, तो 45,000 एसएससी जीडी, 35,000 यूपी कांस्टेबल। तो आप सभी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई वैकेंसी की तैयारी करने लग जाएं, जिसकी क्लासेस एग्जामपुर पे कल सुबह 6 से 12। संजीव सर, दीपक सर, हरिंदर सर, मोहित सर, बढ़िया टीम, लगनशील, अनुभवी, मेहनती, संतुष्ट हो जाओगे आप। चलिए, इसी प्रकार अगर आप सुबह में फ्री नहीं है, सुबह में आपको कोई काम है, सुबह में आप कॉलेज स्कूल कहीं जाते हो, तो शाम में 5 बजे अमित सर, 6 बजे अमित सर रीजनिंग, 7 बजे अमित सर मैथ, 8 बजे में हिंदी और 9 बजे मेरी जीके। बिल्कुल शून्य से एकदम, वो बच्चे जो पहली बार शुरुआत कर रहे हो या आपने पहले कितनी बार तैयारी कर ली है, आप कल से बिल्कुल जुड़िए, सुबह की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में, आपको जिंदगी बदलने वाला कंटेंट मिलेगा, जिनकी तैयारी होती रहे। बाकी जो लोग थ्योरी अच्छे से कवर करना चाहते हैं, जीडी में बहुत अच्छे से हमने थ्योरी कवर कराई है बच्चा, 6 से 7 घंटे रेगुलर क्लास हुई है रोजाना, एक एक पीडीएफ तो हमने आपको फ्री में भी दिया है। आप देख रहे होंगे कि ये लोग कितनी मेहनत कराते हैं, 45 से 60 दिन में इतनी मेहनत। तो अगर आप 3 महीने यूपी कांस्टेबल के देते हो, आप एक अलग ही रंगत में नजर आओगे। रक्षक, जिसकी क्लासेज 1 फरवरी से शुरू होंगी, एग्जाम 70 कोड और 599 रुपए, एक गाइड भी इससे महंगी आती है, जिसमें आप बहुत सुपर चीजें ऑन वीडियो बढ़िया से लाइव पढ़ोगे। ठीक है, तो आप लोग जिसका पेपर हो जाए वो 7-3 क्लासेस से जुड़ जाना कल से। बाकी फिर से एक बार बताऊंगा, सेफ स्कोर, कितनी भी बुरी शिफ्ट आ जाए तो 55 से 60-62 तक पहुंच जाना, मतलब अच्छी आ जाए, और बुरी आ जाए तो 52-53, इससे बुरा नहीं हो सकता, ये एकदम सेफ स्कोर है। 45,000 में से एक नाम आपका भी होगा। दिक्कत बच्चे कहां करेंगे, वो 70 करके आएंगे, एक्यूरेसी होगी 70%, 49 उनके सही बैठे, हर एक सही के लिए 2 नंबर तो उनके 98, और जो गलत किया उसका जुर्माना लगा तो 10.5 कट के 88 पे आ गए। जबकि यदि यही बच्चा 49 करके आता तब इसके चांस थे, 88 पर चांस नहीं होंगे। और ये हर एक राज्य, जो जिन राज्यों में मेरिट कम जाती है उनके लिए तो और भी बेस्ट है, जिनमें ज्यादा जाती है उनके लिए भी ये सेफ स्कोर है। ये अटेम्प्ट का, इतने अटेम्प्ट कराना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो एल्गोरिदम होती है उसका कोई तुम कंप्यूटर के अंदर बढ़ के नहीं बता सकते कि लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हर एक पेपर के हिसाब से, हर एक बच्चे के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, हर एक शिफ्ट के हिसाब से। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मैं अनुमान लगा लूं, मैं तो आपको सेफ अटेम्प्ट का अनुमान दे सकता हूं। मैं होता तुम्हारी जगह, मेरी 150, अगर मैं एग्जामपुर का स्टूडेंट होता, लगातार क्लास अच्छे से लिया होता जैसे चली है, मैं आराम से इसमें 55 से 60 सही करके आता और सुकून से घर आके बैठ जाता, दौड़ भाग की तैयारी करता। ठीक है, और ये तो नॉर्म, ये पेपर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कितने 7-8-10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, जब 14 फरवरी को सारी शिफ्ट खत्म हो जाएंगी, आंसर की आएगी 5-7 दिन में, उसके बाद में फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखना, आप लोग सारे लोग इसी हालात में होंगे जो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं जबरदस्ती, कुछ अच्छे बच्चे वो अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे मैं नहीं कह रहा, अच्छे बच्चे जो हैं, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और जो एवरेज स्टूडेंट है वो इसमें खुश रहेंगे। बाकी शून्य से यूपी कांस्टेबल की क्लासेस कल सुबह से, आप लोग एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यही